आज हम बनाने जा रहे हैं एक मिठाई जो कि बिना मावा बिना घी के बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन कर दिए, कढ़ाई रख दी है उस पर। अब उसमें डालेंगे हम पहले एक कटोरी नारियल का पूरा। हम मेजरमेंट के लिए कोई भी कटोरी बाउल ले सकते हैं। दो मिनट तक लो मीडियम हीट पर भुनेंगे। दो मिनट सेकना है इसे, ज़्यादा नहीं। दो मिनट सेकने के बाद इसमें वही कटोरी से एक कटोरी दूध डालना है। दूध रूम टेम्परेचर पे, तेज का नहीं है, ये उबला हुआ ठंडा किया हुआ दूध है। इन्हें अच्छे से मिक्स करें। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। आधी कटोरी चीनी डालना है। सभी को मिक्स करते हुए अच्छे से पकाना है। तब तक पकाना है तब तक दूध नारियल में अच्छे से अब्सॉर्ब ना हो जाए। चाहे तो गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज कर सकते हैं। दो मिनट में देखिए कैसे गाढ़ा होने लगा है। इसे अभी और पकाना है, तब तक ये और गाढ़ा ना हो जाए। अब इस स्टेज पर इसमें आधी कटोरी दूध पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, डेयरी वाइटनर भी ले सकते हैं। इससे वो जो मावे वाला टेस्ट आएगा, क्रीमी आएगा। इसमें कोई घी का यूज़ नहीं करेंगे अपन, पर फिर भी ये मिठाई बहुत टेस्टी बनेगी। इन्हें मिक्स करते हुए अच्छे से चलाएं, तब तक चलाएं जब तक ये कढ़ाई छोड़ने न लगे बेटा। ये बेटर को पकाते पकाते 6 से 7 मिनट हुए हैं, देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। अभी और इसे पकाना है। इसे कंटिन्यू चलाते रहें, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर डाला है तो ये कढ़ाई में चिपक सकता है। इसके लिए आपको कंटिन्यू इसे चलाते रहना है, तब तक ये गाढ़ा ना हो। थोड़ी देर हो फिर ये मिठाई बनने के लायक हो जाए। मैं इसे मीडियम हीट पे ही बना रही हूँ। आप चाहें तो हाई भी कर सकते हैं, बट हाई में जलने का डर ज़्यादा रहता है क्योंकि मिल्क पाउडर चिपकता जल्दी है। बना के जरूर देखिएगा। 10 मिनट में बन जाती है, इजी एंड टेस्टी दोनों। जल्दी में अगर कुछ मीठा बनाना हो तो ये बहुत आसानी से बन जाती है, और ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल भी हो जाती है। मार्केट से कुछ लाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। इसे कंटिन्यू चलाते जाएं। कितना थिक हो गया है ये बैटर, एकदम कलाकंद वाले टेक्सचर में आ चुका है। बेसिक 4 सामान से ही मिठाई तैयार हो जाती है। इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि नारियल का अपना ही एक स्वाद होता है। अगर आप चाहें तो फिर भी इसमें डाल सकते हैं।
काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है, बस 2 मिनट और पकाने की ज़रूरत है इसे। थोड़ा और पकाएंगे ताकि ये कढ़ाई से बैटर छोड़ दे। पकाते पकाते 10 मिनट हो गए हैं, मैंने गैस की फ्लेम मीडियम रखी है। गैस की फ्लेम पे डिपेंड करता है और आप इसे कितना कंटिन्यूस चला सकते हैं। ये बैटर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, जैसे 2 मिनट और ये कढ़ाई छोड़ने लगा है थोड़ा सा, क्योंकि ये बिना घी का है इसलिए इसे चलाना ज़रूरी है। मिल्क पाउडर चिपकता है कढ़ाई में, बस 2 मिनट और पकाना है। कंटिन्यू चलाते रहें तब तक ये अच्छे से डो फॉर्म में ना आ जाए, तभी आप इसे शेप दे पाएंगे। अगर आप इसको ये थोड़ा लिक्विड ज़्यादा लगे, गीला गीला सा आपकी मिठाई शेप न ले, तो आप 2 मिनट और इसे पका लें, या फिर डेसिकेटेड कोकोनट थोड़ा सा और डाल दें या मिल्क पाउडर और डाल दें, जिससे आपका बैटर इस फॉर्म में डो फॉर्म में आ जाए। अब ये एक डो फॉर्म में आ गया है, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे। ठंडा होने के लिए मैंने इसे एक अलग प्लेट में निकाल दिया था, अभी थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम इसके किसी भी साइज में, जो आकार आपको अच्छा लग रहा हो उस साइज के आप पेड़े, लड्डू जो भी बना सकते हैं। मैं इसे गोल आकार दे रही हूँ, छोटे छोटे। आप इसे डेसिकेटेड कोकोनट में या फिर मिल्क पाउडर में ऐसे कोट कर सारी मिठाई इसी तरह बनाकर तैयार कर लें। मिठाई बनकर तैयार है, इसमें मावे वाला स्वाद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।